स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ प्लांट पैथोलॉजीज, डिस्पर्सल ऑफ और डिसेमिनेशन ऑफ प्लांट पैथोजेंस पार्ट वन। सो यू आर वॉचिंग हियर, वी आर स्टडिंग हियर पार्ट वन। सो दिस टॉपिक विल बी इन पार्ट वन एंड पार्ट टू। सो इट इज़ द पार्ट वन। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ द डिसेमिनेशन ऑफ प्लांट पैथोजेंस। फर्स्ट इज ऑटोनोमस और डायरेक्ट और एक्टिव डिस्पर्सल। सेकेंड इज इनडायरेक्ट और पैसिव डिस्पर्सल। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। सो डिस्पर्सल ऑफ प्लांट पैथोजेंस, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पोर्स और इन्फेक्शियस बॉडीज एक्टिंग एज इनाकुलम फ्रॉम वन होस्ट टू अनोदर होस्ट एट वेरियस डिस्टेंसेज रिजल्टिंग इन द स्प्रेड ऑफ द डिसीज इज कॉल्ड डिस्पर्सल, डिसेमिनेशन और ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट पैथोजेंस। द सेकेंड लिंक इन इन्फेक्शन चेन इज द डिसेमिनेशन ऑफ प्लांट पैथोजेंस। सो डिस्पर्सल, डिसेमिनेशन और ट्रांसमिशन, इट इज सेम वर्ड्स फॉर प्लांट पैथोजेंस। सो द डिस्पर्सल ऑफ इन्फेक्शियस प्लांट पैथोजेंस इन स्पेस अकर्स थ्रू टू वेज। फर्स्ट इज ऑटोनोमस और डायरेक्ट और एक्टिव डिस्पर्सल। सेकेंड इज इनडायरेक्ट और पैसिव डिस्पर्सल। सो फर्स्ट इज ऑटोनोमस और डायरेक्ट और एक्टिव डिस्पर्सल। सो इट हैपन्स इन थ्री वेज। फर्स्ट इज सीड एज द सोर्स ऑफ ऑटोनोमस डिस्पर्सल। सेकेंड इज सॉइल एज द मीन्स ऑफ ऑटोनोमस डिस्पर्सल। एंड थर्ड इज द प्लांट एंड द प्लांट ऑर्गन्स एज अ मीन्स ऑफ ऑटोनोमस डिस्पर्सल। द डिस्पर्सल ऑफ प्लांट पैथोजेंस टेक्स प्लेस थ्रू सॉइल, सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल ड्यूरिंग नॉर्मल एग्रोनॉमिक ऑपरेशंस। सो फर्स्ट इज सीड एज द सोर्स ऑफ ऑटोनोमस डिस्पर्सल। सो सिंस मोस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड क्रॉप्स आर रेज्ड फ्रॉम सीड, द ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ पैथोजेंस हैज मच इम्पोर्टेंस। द डोरमेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द पैथोजन, फॉर एग्जाम्पल सीड्स ऑफ कस्कुटा, स्क्लेरोशिया परगट फंगस, स्मट सोराई इटीसी आर फाउंड मिक्सड विद सीड लोट्स एंड दे आर डिस्पर्स्ड एज सीड कंटामिनेंट्स। सो कंटामिनेशन ऑफ द सीड, सीड बोर्न पैथोजेंस मूव इन सीड लोट एज सेपरेट कंटामिनेंट्स विदाउट बीइंग इन इंटीमेट कॉन्टेक्ट विद द वाइबल क्रॉप सीड्स। फॉर एग्जाम्पल स्मट ऑफ परमिलेट एंड अर्गट ऑफ राया, स्मट सोराई एंड अर्गट्स मिक्स इजिली विद द सीड लोट्स ड्यूरिंग हार्वेस्ट एंड थ्रेसिंग। बी इज एक्सटर्नली सीड बोर्न। सो क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन स्ट्रक्चर ऑफ द पैथोजन एंड सीड इज इस्टेब्लिश्ड वेयर द पैथोजन गेट्स लॉज्ड इन द फॉर्म ऑफ डोरमेंट स्पोर्स और बैक्टीरिया ऑन द सीड कोट ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द क्रॉप और एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट एंड थ्रेसिंग इज कॉल्ड द एक्सटर्नली सीड बोर्न। सो कीप वन थिंग इन योर माइंड, इन एक्सटर्नली सीड बोर्न प्रोसेस द माइशेलियम और अदर इन्फेक्टेड पार्ट इज प्रेजेंट ऑन सीड कोट नॉट इन द एम्ब्रियो। सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नली सीड बोर्न डिसीजेज इज सोड स्मट ऑफ सोरगम, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन, लूज स्मट ऑफ बार्ले। इंटरनली सीड बोर्न, सो इंटरनली सीड बोर्न द पैथोजन में पेनिट्रेट इन टू द ओवरी एंड कॉज इन्फेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो वाइल इट इज डेवलपिंग द बिकम इंटरनली सीड बोर्न। फॉर एग्जाम्पल लूज स्मट ऑफ वीड। सो लूज स्मट ऑफ वीड अस्टिलागो नूडा ट्रिटिसाई इज द इंटरनली सीड बोर्न डिजीज। वट इज द डिफरेंस सीड एंड इन्फेक्शन एंड सीड इन्फेस्टेशन। सो वट इज द डिफरेंस बिटवीन सीड इन्फेक्शन एंड सीड इन्फेस्टेशन। सो सीड इन्फेक्शन, द सीड इन इन्फेक्टेड ओनली वेन द पैथोजन हैज ग्रोन इन और ऑन इट फॉर सम टाइम एंड इस्टेब्लिश्ड इट्स रिलेशनशिप विद द सीड टिश्यूज। फॉर एग्जाम्पल लूज स्मट ऑफ वीट, वेयर द फंगस ग्रोज इन द एम्ब्रियोनिक टिश्यूज and becomes dormant when the seed enters dormancy. So seed infection equal to internally seed borne pathogen. Those pathogen they are internally seed borne is called the seed infection. And seed infestation, when the fungus or the pathogen is present on the seed coat and in the seed lot, it is only transport of the pathogen
and the seed is infested. So seed infestation is caused by externally seed-borne pathogens. Number second is soil as means of autonomous dispersal. So soil-borne facultative saprophytes or facultative parasites may survive through soil. The dispersal may be by movement of pathogen in the soil or by its growth in soil or by movement of the soil containing the pathogen. The former is known as dispersal in soil while the latter is called dispersal by soil. So dispersal in soil. So dispersal in soil. So first is contamination of soil. Second is growth and spread of the pathogen in soil and persistence of the pathogen in soil. So contamination of the soil takes place by gradual spread of the pathogen from an infested area to a new area. Growth and spread of a pathogen in soil. So once the pathogen has reached the soil, it can grow and spread based on its ability to multiply and spread among characters of the pathogen, its adaptability to soil environment, including its saprophytic survival ability, are most important. The survival ability of pathogen is governed by high growth rate, rapid spore germination, better enzymatic activity, capability to produce antibiotics, and tolerance to antibiotics produced by other soil microorganisms. So it is the saprophytic survival ability of any plant pathogen. So on the basis of this competitive saprophytic ability, the pathogens in soil can be of three types. First is specialized facultative parasites or saprophytes can pass their life in soil in the absence of host plants, but they depend more on the residues of the host plant. For example, Armillaria melia, Ophiobolus graminis. Unspecialized facultative parasites can pass their entire life in the soil. Pythium species and Phytophthora. The soil-borne obligate parasites such as Plasmodiophora brassicae, club root of cabbage, Cinchitrium indobicum require the presence of active host. Persistence of the pathogen in soil. So persistence of the pathogen in soil. So pathogens persist in the soil as dormant structures like oospore is made by Pythium, Phytophthora, Sclerospora etc., Chlamydospores by Fusarium, Smutspores by Stilago, and Sclerotia, Rhizoctonia and Sclerotium. Dispersal by the soil. So the pathogen is dispersed by soil during cultural operations through the agricultural implements, irrigation water, workers feed etc. Propagules of the fungi and the plant debris containing the fungal and bacterial pathogens thus spread throughout the field. For example, transfer of papaya seedlings from a nursery infested with Pythium aphanidermatum, causal agent of stem or food rot of papaya, can introduce the pathogen in new pits for transplanting the seedlings. The third number is the plant and the plant organs as a means of autonomous dispersal. So the plants and plant parts other than seed, they are used for vegetative propagation, raw field produce and plant debris that accumulates during the course of cropping constitute the third method of autonomous dispersal. Late blight of potato was introduced in North America and in Europe through seed tubers brought from the native source of the South America. Citrus canker was introduced into California from Asia. The climatic conditions favored its epidemic in California. So it is the first part or direct dissemination of the plant pathogen. So in part second we will study passive or indirect dispersal, and it is caused by two types. First is animate agents and second is inanimate agents. In animate agents, the insects are including, human is including. And in inanimate agents, wind and water is included. Thank you for watching this video. Please like our video, share our video and subscribe our video.
and press the bell icon for upcoming important videos. Thank you for watching Agriculture Knowledge School.